धन्यवाद सर, मैं पुनः निवेदन। रीजन बट जब हम उसको उस शरीर को पार्थिव शरीर को लेके आते हैं तो वो उस समय इज्जत बा इज्जत आना चाहिए, इस चीज का एहसास एनएचपीसी को बहुत ज्यादा था और सर की मदद से ये हमें बहुत जल्दी मिल गई। रेड क्रॉस सर, पूरी डिस्ट्रिक्ट रियासी रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर की वजह से एनएचपीसी के साथ बहुत अच्छा रابطہ होने की वजह से ये चीज़ जो है हमें एक फैसिलिटी की तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक रहा एम्बुलेंसेस का सवाल, तो एम्बुलेंसेस नई एम्बुलेंस हर चीज़ के साथ अपडेटेड विद यू कैन से अ क्रिटिकल केयर और विद सम काइंड ऑफ ऑल द फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, उसकी बहुत ज़रूरत है सर। आपको सारा पता है, आपने सारा इलाका देखा है, स्पेशली महोर अरनास एंड द अदर एरियाज टूवर्ड्स पौनी अपर रीचेज ऑफ कटरा, सर एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थैंक एनएचपीसी, एनएचपीसी हमेशा से ही जब से ये कल भी ये बात कर रहा था कि उसे हम वैष्णो देवी और कटरा की इटर्निटी से जोड़ दें और वहां पर एक टूरिज्म हेल्प डेस्क सा रहे, उनकी गाड़ी मिस हो जाए या टिकट सामने। मोबाइल 15,000 बंकर्स के निर्माण कार्य को समयबद्ध सीमा में टाइमलाइन के भीतर इसकी पूर्ति हो जाएगी, ऐसा आश्वासन आपने देखा होगा। जो वर्तमान गृह मंत्री हैं हमारे अमित भाई शाह, उन्होंने भी ऐसा कहा है और मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक फ्री डिश बॉक्सेस का वितरण करने का भी कार्य आरंभ हुआ है और साथ ही साथ हमने ये एक मांग रखी थी कि वहाँ पर मोबाइल टावर्स लगाए जाए क्योंकि मोबाइल सिग्नल नहीं रहता। और मुझे लगता है ये सारी व्यवस्था होने के बाद वहाँ के लोगों को सुविधा तो रहेगी रहेगी, विशेषकर वहाँ के युवाओं को अपने कामकाज और अपनी पढ़ाई इत्यादि के लिए विशेष लाभ रहेगा। सर कर्नाटक कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायक को खरीद रही है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, बीजेपी कभी खरीदने या बेचने का काम नहीं करती। यदि कोई कहीं से छोड़ करके आता है तो उसमें दिक्कत उनकी है कि यदि वो अपने परिवार को संभाल नहीं पाते। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रविंद्र रैना जी कह रहे थे कि गवर्नर अपना है और उसके बाद में एक फर्क दोबारा आता है कि गवर्नर बीजेपी का है, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, देखिए गवर्नर जनता के हैं, हम में से हर व्यक्ति समाज और जनता का सदस्य है और उस दृष्टि से गवर्नर आपके भी हैं, हमारे भी हैं, फारूक साहब के भी हैं। मुझे लगता है कि चंद्रयान के बाद और चंद्रयान से पहले ही, परंतु चंद्रयान के लॉन्चिंग के बाद जो कल सुबह 3:30 होने वाला है, इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के देशों में है। और एक बात जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए कि हमारी जो अंतरिक्ष यात्रा है, ये रूस और अमरीका देशों की तुलना में बहुत देर के बाद प्रारंभ हुई और हमारा रिश्ता ही क्या था अंतरिक्ष के साथ, मात्र चंदा मामा दूर के और इस कविता को लेकर के। लेकिन यद्यपि अमरीका ने 1969 में पहला मानव चंद्रमा की धरती पर उतारा, उसने वहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे चल करके देखा भी और एक बड़ा ऐतिहासिक वाक्य बोला था कि स्मॉल स्टेप फॉर मैन बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड, परंतु चंद्रमा की धरती पर और चंद्रमा पर पानी होने का प्रमाण अमेरिका ने नहीं लाया, हमारे चंद्रयान ने लाया। और उसका महत्व ये है कि जब H2O और पानी के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएँ भी बनती हैं कि वहाँ मानव जीवन संभव है। और ये जो चंद्रयान 2 जो कल लॉन्च होगा और सितंबर में वहाँ लैंड करेगा, इसके साथ लैंड रोवर है, कुछ और सैंपल्स और एनालिसिस करके इस बात की पुष्टि करने का प्रयास करेगा।